कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकॉन का बटन अवश्य दबा दें। नमस्कार दोस्तों, सरपंच की कहानी जनता की जुबानी भाग 3 में आज हम आपको जनपद सीतापुर की मिश्रिक विकास खंड की तस्वीरें दिखा रहे हैं। कितना भ्रष्टाचार का मिश्रण है यहाँ पर, देख करके बड़ी दुख और तकलीफ़ होती है। लेकिन अगर तकलीफ़ नहीं होती तो जिम्मेदारों को, अधिकारियों को, जनप्रतिनिधियों को, किस तरीके के हालात में जनता यहाँ गुजर बसर कर रही है, इसकी एक वानगी भर रही है सीतापुर का मिश्रिक विकास खंड। दोस्तों, समस्याओं की बात करें तो सबसे पहले हम आपको बताएं कि ग्राम पंचायत लकड़िया मऊ में, जिसमें अजानखेड़ा, भट्टापुरवा, मजरे हैं, वहाँ की ये खबर है। इसमें मनरेगा में जो मजदूर काम करते हैं उनका मस्टर रोल में नाम हटा करके किसी और का नाम रख दिया गया है। सड़कें बनी नहीं हैं, नालियां इस कदर बजबजा रही हैं कि निकलने की जगह नहीं है। सीतापुर ब्यूरो चीफ संजय श्रीवास्तव और सीतापुर से संवाददाता अमरीश श्रीवास्तव की ये रिपोर्ट आज हमको मिश्रिक के इस गाँव की ऐसी कहानी बता रही है कि जिसको सुन करके दिल दहल उठता है। यही नहीं, आवास योजना में जमकर धांधली की गई है। ग्रामीण तिरपाल डाल करके रातें गुजारने को विवश हैं। ग्रामीणों ने बताया कि राशन मिलने की बड़ी समस्या है, राशन नहीं मिलता, पानी की किल्लत है, लाइट आती ही नहीं है। और जो इस समय वर्तमान प्रधान जी हैं वो पुराने जो मुखिया थे, पुराने प्रधान थे, उनके कहे अनुसार काम करते हैं। लेखपाल महोदय तालाब को पटवा कर उसके ऊपर घर बना रहे हैं। इसको लेकर के हमने पंचायत सचिव से बात करी और BDO राजकुमार उपाध्याय। विकास खंड मिश्री की ग्राम पंचायत लकड़िया मऊ, सरपंच की कहानी जनता की जुबानी, इस सीरीज के तहत हम आज हैं लकड़िया मऊ ग्राम पंचायत में, जानते हैं ग्रामीणों की समस्याएं। ये देख लीजिए क्या है यहाँ के रास्ते और क्या कहते हैं यहाँ के ग्रामीण। कैसे निकलते हैं आप यहाँ से? सर, यहाँ कीचड़ सा समझते हैं, कीचड़ है। नाम क्या है आपका? करनलाल। ये रास्ता यहाँ पे समाप्त हो जाता है? नहीं, रास्ता। ये प्रधान जी ने कैसे, क्या इसका निर्माण कब करवाया, क्या बरसात के पहले या बरसात के बाद? बरसात के पहले भरा निर्माण का, अब ये वाला बिल्कुल वैसे ही पड़ा। हाँ, ये बनाने उतना खरीदा, वो दूधाएँ खुदवाएँ तब वो ऐसे ही पड़ा है। तो दिन रात में कैसे गुजरते हैं आप? आपको बहुत तकलीफ होती है साहब। अरे साहब, बच्चे गिर के बच्चे गिर के पड़ते हैं। शौचालय चले मिले आप लोगों को? हाँ, शौचालय है। शौचालय, हाँ। आपका नाम माता जी क्या है? हमारा सुशीला। सुशीला जी, आपको इज्जत घर मिला है? शौचालय मिला है? आपने प्रधान जी से अपने कहा? हमारी आवास मिली रहा है, लेटर नहीं दिन तो हम कहा नहीं। आवास के लिए आपको कितना पैसा मिला था? हमका 70,000 मिली रहा है। 70,000 रुपये, यानी कि 5 साल पहले? पहले प्रधान उसमें आपको शौचालय नहीं मिला था? नहीं, हमका नहीं मिली। जो 70,000 मिले थे वो पूरे लग गए थे, उसमें आपका निर्माण हो गया था? हाँ, हमारा बना का था। तो पैसा आपको अपना भी लगाया होगा ना? हाँ, अपना लगाने का पैसे। आप भी इसी रास्ते से गुजरती हैं? हाँ, हमारे यहाँ देखो, हमारे सिंह देख लो, सब हमारे तिरपा खा लिए, काली भरा। ये लकड़िया मऊ की जनता बोल रही, हम नहीं बोल रहे, हमारा कैमरा बोल रहा है। इतने दिन से यहाँ पानी, जब हमारा लड़का लड़िया महिमा पानी में निकल रहा है, हमारा चिटका ठा रहा है, आवाज बनी है चिटका ठा। ये इनका आवास बनते ही दरकने लगा, हाँ, इसका कारण क्या है? ये किस कारण दरक रहा है? पानी से भरा रहा है, देखो ये पावा धस गया, ये भरा रहा है। जब हमारा लड़का लड़का चाहला में निकल नहीं पाया, तभी राह बनाई परम नरों की दी। ये आपके पति ने ही मिट्टी डाली है यहाँ पे, मिट्टी वगैरह? हमारे पति, हाँ, ऐसे जब हिम्मत खड़े जाते बरुआ कहीं पे आए, तब राह बनाई, लड़का लड़की नहीं करे दिखे। ये आलम है यहाँ के प्रधान जी का, रास्ता किस कदर यहाँ से ग्रामीण गुजरते हैं, उनको इस चीज का ध्यान रखें। क्या नाम है आपका? गीता। ये फूस की झोपड़ी में कैसे गुजारा करती हैं आप इस बरसात के मौसम में? पति आप क्या करते हैं? पति आपके मजदूरी करते। मजदूरी आपको गांव में मिल जाती है? गांव करते हैं, बहरु पहला नरेगा जो आप कार्ड वगैरह बना है, हाँ है, उसके तहत काम वाम मिलता? हाँ, राशन कार्ड पे अनाज मिल जाता है? हाँ, कितने किलो मिलता है? 30 किलो मिलता है। उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर वगैरह मिला? हाँ, सिलेंडर। सिलेंडर कहाँ है आपका? सिलेंडर वैसे ना है, दूसरे का दे दिया, भराए पैसा वैसा है ना तो भराई का।
ये झोपड़ी में गुजारा कर रही हैं यहाँ की, क्या नाम बताएं? गीता। गीता जी। और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत इनको लाभ मिलना चाहिए, नहीं मिल पा रहा है, क्या प्रधान जी के पास था आपने शिकायत? बहुत दायक। क्या कहते हैं प्रधान जी? उस कहाँ थी मिली हो। सूची में नाम है? सूची में नाम है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम शिवलाल। ये आपका कच्चा मकान है, प्रधानमंत्री आवास चल रहा योजना ग्रामीण वाला, उसके तहत आवास के लिए आपने अर्जी दी प्रधान जी से? बताया प्रधान को, प्रधान ने दिया नहीं। सूची में नाम अंकित है आपका, दर्ज है? सूची में नाम तो दर्ज है, लेकिन आवाज दिया नहीं हमको। क्यों, कोई रंजिश कोई नहीं, लेकिन हमको देता ही नहीं। कोई सरकारी योजना का लाभ? कोई नहीं। शौचालय? कुछ नहीं है। नल पानी वगैरह कहाँ से? कुछ नहीं है। बिजली वगैरह? बिजली तो है, बिजली है। बिजली है, यानी कि आपको आवास नहीं मिला, पानी के लिए नल नहीं मिला। हाँ। और शौचालय नहीं मिला? शौचालय नहीं मिली। तो आपके घर की महिलाओं को बाहर जाना पड़ता? बाहर जाना पड़ता है। कितने लोगों का परिवार है आपका? हम लोगन 11 लोगन परिवार। उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन है, वो मिला। राशन मिलता है हर महीने? राशन हर महीना में है मिलता। हम लोग मजदूरी करे चले जाते हैं, हम आए साल दो साल तो ले आए, नहीं तो आओ नहीं। वो भी मतलब जब आप यहाँ नहीं होंगे तो राशन कौन ले? सारा परिवार पलायन कर जाता है। हाँ। यानी गांव में मनरेगा के तहत आपको काम नहीं मिल पाता? नहीं मिल पाता है। आप लोग लॉकडाउन में आए थे, उसमें काम दिया प्रधान ने? नहीं दिया। काम कराया है कुछ प्रधान ने? काम तो बहुत कराया, लेकिन हमको प्रधान ने दिया नहीं। तो वहाँ लेबर कहाँ से आते थे? लेबर सब गाँव के हैं, जो पुराने लेबर काम करते थे वही सब लेबर काम करते हैं। मैं जो बाहर से आए हैं वो पुरवा के दोनों काम किए हैं, और हमारे गाँव का कोई काम नहीं करने लगा है। आप बताएं, क्या मनरेगा यहाँ पे चलता है? चलता है। माइक करिए। मनरेगा के तहत क्या आपको कोई कार्ड वगैरह मिला? नहीं मिला। आप कार्ड धारक हैं? हाँ जी, मेरे पास 34 नंबर कार्ड है, दोनों कार्ड हमारे निकाल दिए, ग्राम पंचायत वो निकाल दी। वो क्या कहते हैं, पंचायत मित्र? हाँ। पंचायत मित्र का क्या नाम है? मनीष। उन्होंने ही निकाल दिया। मेरा 34 नंबर जाप कार्ड रखा है, पहले हमारी छड़वा रख के फोटो खींची गई, जो भट्टा ताल खुदा रहा है। हाँ। नाम है आपका? तो 5,000 रुपए आपको नगद राशि मिली थी या सामान मिला था? नगद मिले। 5,000? 5,000 में लैट्रिन बन गई इतनी? 5,000 दे तो हम जान लेते हैं, बाकी पैसे नहीं दे और ना देंगे तो हमारे नया नहीं है लेटर है। आपको नहीं मिली? वैसे 12,000 रुपए मिलता है संयोग राशि मिला, सुने रहा कि 12,000 जब मिले ना तो कहा जानी, 5,000 मिले रहा। 5,000 की 5,000 मतलब एक बार बताइए आप। 5,000 मिले। क्या नाम है आपका? रिंकी। कहाँ इसके पहले रह रही थी लॉकडाउन के पहले आप? हम लुधियाना में रह रहे हैं। क्या काम करती थी वहाँ? दिहाड़ी कर रहे हैं। यहाँ जब आई तब आपको क्वारंटाइन किया गया 14 दिन के लिए? हाँ, नहीं बंद नहीं किया गया, चेकिन सब हुआ था। आपको निगेटिव आया कि पॉजिटिव? राशन भी मिला था वहाँ। अब क्या है, आपके पति आपके परिवार का गुजारा बसारा कैसे चल रहा? गुजारा बसारा यही चल रहा, ना पटान हुआ, कॉलोनी मिला था उसी में हमारे को अभी लेबर ही नहीं दिया है वो। कितना रुपया बाकी है अभी आपका? 14,000 बाकी हमारा। आप प्रधान या पंचायत सचिव से कहती हैं तो क्या? कल भी गए थे, कल भी कहा, बोले अपनी किताब दिखाओ जाके वहाँ। कौन सा आवास है आपका? हमारा वो बना है वहाँ, पटान भी नहीं हुआ है। इसी प्रधान ही मिला है बस। हाँ। इधर आइए आप अपने घर पे। हाँ, 1,20,000 रुपए का। आपका क्या नाम है? रिंकी। रिंकी, आपकी के नाम आवास आया था? हमारा नाम आया था। हाँ, रिंकी। पैसा आपने इसमें इतना लगाया, अभी पूरा नहीं हो पाया? हाँ, पटान भी नहीं हुआ, ऐसे ही रह रहे हैं इसमें, इसीलिए बाहर भाग गए थे। शौचालय भी नहीं मिला हमारे को, कुछ नहीं मिला। शौचालय भी नहीं मिला? हाँ। प्रधान या पंचायत मित्र से आप कहती हैं शौचालय के लिए, तो क्या कहते हैं? अब वो कहते हैं अपना बनाओ जाके, अब कल भी गए थे, पैसा भी नहीं दिया हमारा। सर, इज्जत घर का जो पैसा रुका हुआ था और लॉकडाउन के पीरियड में वो पैसा उनके खाते में ट्रांसफ़र किया गया, उसको उन्होंने किस तरीके से मिसयूज किया है सर, और उनके इज्जत घर नहीं बन पाए, इस बारे में सर क्या कहेंगे? इसके बारे में जितनी जानकारी जो इकट्ठा की गई है, तो जैसे अभी होली के जस्ट पहले किस दिन को गई थी, लेकिन मिसयूज किस तरीके से हुआ, जैसे लाभार्थी कि मैं गया लॉकडाउन बीच में हो गया जी, कई लोगों ने
अब बोला कि लॉकडाउन में उनके पैसे खत्म हो गए और उसके बाद उन्होंने बनवाया नहीं, तो उसी के लिए हमने कई सारे नोटिसें भी दिए, कई सारे चीज़ें भी दी, मतलब कि इसे कम से कम जल्दी से जल्दी वो बनवा लें, हम उसके लिए लगे हैं, कई सारे नोटिस दिए हैं। अब हमें भी व्यवहारिक चीज़ें कई बार समझनी पड़ती हैं, जैसे कई बार लोग आरोप लगाते हैं कर्मचारी उन्होंने पैसा ले लिया, जबकि हम लाभार्थी के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र किए हैं और लाभार्थी कई बार पैसे अदर काम में खर्च कर देता है, इसीलिए थोड़ी दिक्कत आती है। तो उस पर भी काम किया जा रहा है, इस समय कम्युनिटी टॉयलेट पे भी हमारा पूरा काम फोकस है, हमारे जिलाधिकारी महोदय और आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इसके बारे में ट्वीट किया है कि हर एक ग्राम पंचायत में सामुदायिक शौचालय और पंचायत भवन कंपल्सरी है, जहाँ पे नहीं बना है हर एक जगह सामुदायिक शौचालय तो बनना ही है, जिससे हमारा क्या होगा, कम से कम जहाँ पे कई जगह नहीं है, इनइफेक्टिव है, तो वहाँ पे जाके कम से कम सामुदायिक शौचालय ग्राम पंचायत में होगा, एक कस्बे के पास होगा। लोग सर जब घर में जल घर बना है उसका यूज़ नहीं करते हैं तो सामुदायिक शौचालय का प्रयोग करेंगे? देखिए कई बार क्या होता है, यूज करना ना करना कई बार एक होता है कि उसमें अवेयरनेस कितनी है, हमें चीज़ें बनाने के साथ साथ एक ग्राम में ग्राम पंचायतों में अवेयरनेस कार्यक्रम भी चलाना होगा। इसके बारे में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी जब से उन्होंने कार्यभार ग्रहण किया था तब से ही एक मिशन मोड में चले हैं, पहले और अब में अगर हम कंपेयर करते हैं तो कहीं ना कहीं नंबर इंक्रीज हुआ है, लेकिन अभी हमें इसके 100% तक पहुंचने में थोड़ा टाइम लगेगा, कोई इशू नहीं है इसमें। हम हमारे जो है प्रधानमंत्री महोदय, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का इस समय पूरा फोकस यही है और जल्दी ही हम इसे पूर्ण कर लेंगे।